इतना ड्रामा। नीचे बैठो, सिट। हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अब बोलो। और आज हम वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आयु और लक्ष्य पिटने वाले हैं, तो प्लीज देखना जरूर। लक्ष्य आयु की थोड़ी सी पिटाई होने वाली है ना आयु लक्ष्य? आज की वीडियो बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन दोनों की मार पड़ने वाली है। अच्छा ठीक है ठीक है, आराम से बैठो आराम से बैठो आराम से। आयु नो, हाँ जी तो आप स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करते हैं? बैठ के। लक्ष्य ने तो कर दिया, आप करो। हेलो दोस्तों, के सब्सक्राइब पर बचें दो। और आज हम दोबारा आ गए एक वीडियो के साथ। नहीं, एक फाड़ वीडियो के साथ। ऐसे बोलते हो ना, दोबारा बोलो। फाड़ वीडियो के साथ। क्या? पापा आएंगे तभी मिलेंगे। तभी मिलोगे? चलो मिलते हैं पापा आने के बाद। ओ पापा तो शाम को आएंगे। शाम को ही मिलेंगे, उससे पहले मिलना अलाउड नहीं है क्या? अच्छा, और आप? अब ट्यूशन का काम कर लो, पीछो पहले आयु, आयु पीछो जाओ। आपको लर्न करने के लिए दिया होगा, आपको लिखने के लिए नहीं, लर्न करने के लिए आपको दिया है ना होमवर्क। लेके आओ नीचे से बैग अपना। आयु मैम भी देखती है ब्लॉग, पता है आपको, और आप मना कर रहे हो ना। फोटो नहीं फोटो से मत लाता स्टाइल। अच्छा बता तो सही, ये मैम भी ब्लॉग देखती है? आपकी जो मैम है ना ट्यूशन मैम, वो भी ब्लॉग देखती है, पता है आपको? तो ब्लॉग में मैनर से रहना, जहाँ आपने बदतमीजी की या कुछ। सुनो सुनो, हाँ हाँ हाँ, पता क्या? हाँ बोलो। जब तुम हमारे ट्यूशन पहुँच गई होगी ना, हाँ, हमें लेने के लिए, हाँ, ट्यूशन से, हाँ, तब भी ब्लॉग बनाना। तब भी ब्लॉग बनाऊँ? ठीक है, तो आयु ने बोला है जब मुझे ट्यूशन से लेकर आओगे तब भी ब्लॉग बनाना। ठीक है लक्ष्य, तो मैं इनको ट्यूशन का काम करा रही थी, तो ये भी ऐसे ऐसे कर रहा था। नहीं कर रहा, तो जैसे मैंने बोला ना मैम भी ब्लॉग देखती है, और रियलिटी है मैम देखती है, इसमें झूठ नहीं है। तो इसने एकदम से नीचे बैग लेकर आ गया, मैंने देखी थी। दोनों बैग लेके आ गए। हाँ जी क्या बोल रहे हो? जिम कॉर्बेट, क्या जिम कॉर्बेट की हमारी पूरी वीडियो मैंने देखी थी? मैम ने देखी थी, व्हाट्सएप पे थी। हैं? अच्छा, तो मैम कुछ कह रही थी? उठा के रखो बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, एक बात बताओ आयु लक्ष्य, इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो पहले। लक्ष्य आप भी आओ, हाँ आप भी बैठो लक्ष्य, हाँ टैडी पे बैठ जाओ आराम से। लेकिन हाँ, अब मुझे बताओ, जो आप गए थे तो ट्यूशन के बच्चे क्या कह रहे थे? क्या आप ब्लॉग बनाते हो? क्या बोल रहे थे? नहीं, जो आप मुझे आके बता रहे थे, हाँ क्या बोल रहे थे? आप ब्लॉग बनाते हो क्या? और एक बच्चे ने बोला था कि डैडी मेरी वाला ब्लॉग बनाया था। और बाकी का ये बताएगा, ये बताएगा, आप बता दो ना, इसको तो याद ही नहीं है कुछ भी। लक्ष्य बताओ ना। माँ बच्चे तारीफ कर रहे थे हमारी। तारीफ कर रहे थे? क्या कह रहे थे? मैंने तो तारीफ बोल रहे थे। हैं? दो चैनल इधर बैठो ना, इधर इधर। हाँ, हमारा वाईफाई कनेक्ट करते हैं। वो कह रहे थे कि आपका वाईफाई कनेक्ट करते हैं हम। तो हमारा कोई वाईफाई कनेक्ट करता है? हमें नहीं पता कौन कनेक्ट करता है, हमें तो ये दोनों मेरे को आगे बता दे, मम्मी और मॉलर वाईफाई कनेक्ट करता है कोई पता नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वाईफाई पे बेटा पासवर्ड लगा हुआ है, ऐसे कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। हाँ तो बेटा वो कोई बात नहीं। तो अब फोटो नहीं है, यो यो
अब इनको पढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी इनके साथ मस्ती भी करनी बहुत जरूरी होती है। मेरा ऑलरेडी वैसे ही मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट था, तो अब थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए अब इन लोगों के साथ थोड़ी सी मैं मस्ती कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है। और अभी मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है और अब से मैं हर एक ब्लॉग 3 बजे अपलोड किया करूँगी, रेगुलर 3 बजे दोपहर में। तो प्लीज़ 3 बजे जिसको नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, मैं 3 बजे ही डाला करूँगी ब्लॉग। 3 बजे इसलिए तो हम जाते हैं फिर आराम से कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये ट्यूशन जाएंगे तो ट्यूशन जाने के बाद ये 4 बजे जाते हैं, तो 3 बजे अपलोड कर दिया करूँगी। तो इस वजह से मैं 3 बजे ब्लॉग अपलोड किया करूँगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए तो प्लीज़ चेक जरूर कर लिया करना। इनको पढ़ा देती हूँ और इनको फिर 4 बजे ट्यूशन भेजती हूँ। और इसको मैंने अभी डांटा है, बिल्कुल जस्ट अभी डांटा है, क्योंकि बाबा मेरा ना ये फ़ोन कैमरा जो फ़ोन बार बार हिलाया जा रहा था, इसलिए मैंने इसको एक फटकार मारा। फटकार कैसे मारी मैंने, ये थोड़ा सा ना वैसा है, कहते हैं ना कि एक सेकंड, ये थोड़ा आई नो ना, ये थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा पागल सा, दिमाग थोड़ा सा कम, बुद्धि थोड़ी सी कम, ये उस टाइप का है। ये देख लो कैसी बदतमीजी कर रहा है। अब इसकी मैम देखेंगी है ना, मैम देखेंगी अब बताएंगी बेटा, अब बताएंगी। निकाल निकालो जल्दी से, लक्ष्य निकालना इसके, निकालो। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में। तो अभी अभी मुझे एक मैसेज आया है और इन दोनों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, दोनों के लिए, जिसके लिए ये बहुत खुश हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। तो गुड न्यूज़ क्या है अपने मुंह से ही बता दीजिए आप। आज ट्यूशन की मैंने छुट्टी दे दी। देखा जा रही है। देखा। तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ थी कि आज मैम ने बोला है अभी मैसेज करके कि मुझे कहीं जाना है तो आज ट्यूशन नहीं आना है, तो बस इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, है ना लक्ष। और ये देखो, हाँ देखा, तुम तो बहुत ही चालू हो। और ये काम करते हैं तो देखो कैसे फलारा कर देते हैं, इधर बुक्स उधर कॉपी, इधर बुक्स उधर कॉपी, ये सब काम करते हैं, इनका एक कॉपी से काम नहीं होता है, ना पूरे बैग में से सारा सामान निकाल के तब इनका काम होता है। हाँ अच्छा चल चलो ठीक है, आप अपना काम कर लो, ठीक है, ओके। पापा को आए हुए इनके कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो 20 मिनट हो गए हैं, बट ये दोनों ना अपना माइंडक्राफ्ट में रूम बनाने में लगे पड़े हैं और उसमें घुसे पड़े हैं पूरे के पूरे। हाँ भाई फिर क्राफ्टन बिल्डिंग तो है तो सेम, तो मत बोलो। और मैं दिख नहीं रहा तुम्हें, दिख रहे हो, दिख रहा तो मुझसे बात कौन करेगा। हाँ। बस हो गई, इतनी सी बात करनी है, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देखो पहले ये बताइए फोन में लगा पड़ा है ये बेटा, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश तो है नहीं, इसको दवा इससे कुछ मिला है, ये बच्चे दोनों के दोनों ना बहुत ज्यादा पगलौटे हो रखे हैं। और आइए और मिलते हैं हमारे घर की सबसे अहम और मुख्य सदस्य से। ये हरा और लाल क्या ऋतिक रोशन सी बनी घूम रही हो, तो पहली बात तो ये लाल नहीं है, कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, पहली बात तो ये लाल नहीं है, ठीक है, हम कलर में हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। ये मैडम रोटी बना रही है, बनावा रोटी लावा हमका, सब्जी का बनाई ले, सब्जी बनाइए, देखिए दिखाइए, ऐसे दिखेगा भरता, वो भरता तो तुम रोज बनाती हो, किसका,
कभी बैंगन का, कभी मेरा, किधर है फूली फूली रोटी? गाइस फर्स्ट टाइम इसकी रोटी फूली है लिटरल। अगर इसकी रोटी फर्स्ट टाइम नहीं फूली होती तो आपको लगता है इतना खुश होती? देखो मेरी फूली फूली रोटी, मेरी फूली फूली रोटी। ये फर्स्ट टाइम जिसकी रोटी, फर्स्ट टाइम जिसकी रोटी फूलती है ना गाइस, इतना खुश वही होता है, मुझे पता है अच्छे से। ठीक है, और मैडम भरता ना तुम डेली बनाती हो, कभी कुछ और भी बनाया करो। ठीक है, कभी मेरा भरता बनाती हो, कभी बैंगन का बनाती हो, कभी आलू का बनाती हो। ये लड़की भरता स्पेशलिस्ट हो रखी है, इसको भरता बनाना बड़ा पसंद है। और संडे, संडे के बाद मंडे, और आज ट्यूसडे, आज हमारी बात होगी पता है। संडे दोपहर में इनसे हमारी विदाई हो गई थी, और उस विदाई विदाई में ये हमसे थोड़ा रुष्ट हो गई थी, नाराज हो गई थी, तो इन्होंने संडे मंडे मुझसे कोई कन्वर्सेशन, मेरी दूसरी रोटी फूली हुई देखो, फूल जाने बेस्ती हो जाएगी। पहले ही कह रहा था, पहले रोटी गाइस कहा था मैं, संडे, संडे आफ्टरनून के बाद जो है इनकी हमारी थोड़ी सी बकलोली हो गई। उस बकलोली के बाद जो है मैडम ने हमसे मंडे भी बात नहीं करी, और ट्यूसडे है आज, आज जाके कहीं इनकी हमारी बात हो रही है। बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती हैं ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती गाइस, आप लोग बताओ कि जब बीवी नाराज़ हो जाए तो पति उसको मनाता है, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, बताओ बताओ। और जब कभी पति नाराज हो जाता है तो बीवी का हमेशा ही डायलॉग रहता है, कोई और लग दी, बेचारा पति यहीं फंस जाता, साला बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत, समझ के बाहर है। ओ भैया कौन सी टनल खोद रहे हो तुम दोनों? अगर इसे देखो आयु की उंगलियां दिखा दो, फास्ट खेलता है। वैसे गेम खेलने से हम बच्चों के माइंड की भी ग्रोथ होती है, तो मैं थोड़ा बहुत खेलने देता हूँ, इनकी बॉडी मूवमेंट देखते हो ना आप गेम खेलते वक्त, माइंड मूवमेंट कितनी शार्प हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चलता है। और वैसे भी जो इनके पापा है ना, वो सुबह से लेके शाम तक गेम की दुकान में पड़े रहा करते थे, स्कूल बैग टांग के। बहुत गेम खेला है मैंने कसम से, बहुत गेम खेला है। जितना भी किराया स्कूल आने जाने का किराया लेके जाया करता था ना मैं, वो सारा किराया ना मैं सिक्के ले रहे थे उस टाइम पे, सिक्के आया करते थे 1 रुपए के 2 1 रुपए के 3 1 रुपए के 4 के जवाब है, तो हम 10 रुपए के सिक्के लेते थे, और दोपहर तक पूरा टका टक लगे पड़े, घर जाने का मन ही नहीं, शाम को आ रहे हैं घर स्कूल से, ऐसा लगता था जैसे ड्यूटी चल रही है हमारी, इसलिए मेरे को ड्यूटी में आने के बाद बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, अब भी ऐसा लगता है मैं स्कूल में। हाँ मैडम कुछ कहना चाहेंगी? तुमने कोई गेम नहीं खिलाना कभी? अब खेल लियो तुम हमारे साथ, अब खेल रही हो तुम गेम हमारे साथ, तब तो तुमने नहीं खेले कोई गेम, अब गेम ही चल रहा है तुम्हारा, गेम ही खेलते हो तुम हमारे साथ। चलो अपनी मम्मी का वेट करते हैं, अपनी मम्मी को आन देते हैं चलो। और भाई मदर मेरी आ गई, और दोनों बच्चे जो है आज मम्मी के साथ खाना खा रहे हैं, क्योंकि इनको पनीर ज्यादा पसंद है। और वैसे भाई ये जो है ना, ये गाइस ये हर दूसरे दिन पनीर पे ही चढ़ा रहा है, और फिर भी इसका कुछ हो नहीं रहा पनीर खा खा के, खाना खाते हैं। इनको यहाँ बैठाऊंगा ना मैं सिटिंग करके, यहाँ तुम नहीं खाएंगे खाना, कहते हमारा हाथ नहीं पहुँचता। और मेरी मदर आती है ना टीवी में प्ले कर देती है इंडिया टीवी, बड़ी इनको न्यूज देखने का मेरी मम्मी को बहुत शौक है, और बीजेपी की बहुत बड़ी फैन है हमारी मदर, मोदी जी जो है इनके क्या नाम है आज तक के फेवरेट नेता माने जाते हैं, और मोदी के खिलाफ जब भी कोई बोलता है ना हमारी गली में मेरी मम्मी उनसे लड़ती है, लड़ने मीन्स उनको मतलब मोदी की अच्छाइयां बताने लग जाती है। ये बहुत घंटी बजाई है हमने, बहुत दिए जलाए मोदी जी ने जैसे जैसे बोला कोरोना भगाने में, बहुत बड़ा समर्थन योगदान रहा है हमारा। और फिलहाल गाइस अब रात के करीब 9 बज रहे हैं, सब लोग बहुत थक गए हैं, और बस अब खाना वाना खा के हम लोग सोने वाले हैं, और मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, और कल सुबह करते हैं हमारी शुरुआत ब्लॉग की। ठीक है, सो बाय बाय।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कितनी गंदी शक्ल लग रही है, हो रही है। आई बाय कर दो, देख। बाय 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 बाय। मदर ने भी हमारी बाय बाय कर दी। बाय, हाँ हो गया, बाय बाय हो गया। चलो खाने का।